सब्सक्राइब कीजिए डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज को और बेल आइकन को दबाइए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। गाइस वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज। मेरा नाम है संतोष और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 19 मार्च को होने वाले आसाम बोर्ड का क्लास 12 का बैंकिंग का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मिलेगा हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी, और 5 पेयर्स का सॉल्व पेपर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे भी जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखेंगे क्लास 12 आसाम बोर्ड का बैंकिंग का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ ही साथ हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस बिटवीन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे क्या कॉमन डिफरेंसेस है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक एंड IMF के ऊपर में सियोर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में 99% चांसेस है कि आएंगे ही आएंगे। तो उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको जरूर 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 से प्रिपेयर करके जाना है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम 2012 टू 2017 कैरिंग 8 मार्क्स, 8 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस है 2012 से लेकर 2017 तक जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सब भी हम लोग इसमें देखेंगे, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इतना करके जाने से आपका एग्ज़ाम में वो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो कुछ भी चीज़ मिस मत कीजिएगा इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस ये है आपका सिलेबस बैंकिंग का, टोटल 7 यूनिट्स है, और देखिए हर यूनिट से पहला यूनिट से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, सेकेंड यूनिट से 10 मार्क्स का, और थर्ड यूनिट जो कि है फाइनेंशियल मार्केट इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूनिट 4 नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूनिट 5 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसमें से भी 15 मार्क्स का है, और यूनिट 6 से भी 15, और यूनिट 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यूनिट 1 का, टोटल 20 मार्क्स का। तो ये आपका सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा, इसमें से कुछ भी मत छोड़िएगा क्योंकि सिलेबस के बाहर तो कुछ आएगा नहीं। उसके बाद ये देखिए ये है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, 1 मार्क्स का टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे टोटल 8 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल 5 पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल 5 रहेगा, और 5 मार्क्स का 7, और 8 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स हो जाता है। अब देखते हैं डिफरेंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिफरेंसेस, कुछ कॉमन डिफरेंस बिटवीन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला है डिफरेंस बिटवीन विल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये 2012, 14 और 17 में पूछा गया है। फिर डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये 2013 और 16 में पूछा गया है, और डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड चेक ये पूछा गया है 2015 में विथ 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन चेक एंड ड्राफ्ट 2015 में पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए, और डिफरेंस बिटवीन यूनिट बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग ये 2015 में पूछा गया है, और डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है 2012, 14 और 16 में पूछा गया है। फिर है डिफरेंस बिटवीन कैश रिजर्व एंड कैश बैलेंस, ये पूछा गया 2016 में। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ये 2017 में पूछा गया है, और इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी हैं जो कि आप तैयार करके जाइएगा, जैसे कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ग्रुप बैंकिंग एंड चेन बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स, होल्डर वर्सेस होल्डर इन ड्यू कोर्स, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड हुंडी में क्या डिफरेंस है, तो ये सब आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक 2012 टू 2017, देखिए IMF का क्वेश्चन जो है IMF के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, 15 और 17 में, और वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक का ऊपर पूछा गया 2012, 14 और 16 में। यानी कि अगर जिस साल IMF के बारे में पूछ रहा है उस साल वर्ल्ड बैंक के बारे में नहीं पूछ रहा है, और जिस साल वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ रहा है उस साल IMF के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो फिर भी आप ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से कवर करके जाइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ये अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्ज़ाम के लिए, ये टोटल 18 क्वेश्चन है जो कि पास्ट प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से उठाए गए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है इसके अंदर में, तो वो भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा।
उसके बाद देखिए गाइस, ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम 2012 टू 2017 कैरिंग 8 मार्क्स। 2012 से लेकर 17 तक जितने भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे हैं, तो ये सब आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर किस्मत अच्छा रहा तो इसमें से क्वेश्चन गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। और देखिए क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, इसमें कुछ नया कुछ नहीं रहता है, तो पेपर वगैरह आप अच्छे से कर लीजिएगा। और 5 ईयर्स का सॉल्व पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अभी आप ज़रूर से देख लें। और ये है क्वेश्चन बैंक, अभी ये हर चैप्टर के ऊपर में क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा इसमें। देखिए ये है यूनिट 1 का क्वेश्चन बैंक, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, 3 मार्क्स का भी है और 5 और 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें है। फिर ये है यूनिट 2 का क्वेश्चन बैंक, ये सारे क्वेश्चंस आप देख के जाइएगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से जरूर देख लें। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगा वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बैंकिंग के ऊपर में, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिफरेंसेस, और एक चार्ट भी होगा जो कि शॉर्ट शॉर्ट टाइप आंसर्स को, जैसे डेट वगैरह हो गया वो सब याद रखने के लिए, बैंक से रिलेटेड जितने भी डेट वगैरह है, कौन सा बैंक कौन सा फॉर्मेशन हुआ कौन से ईयर में, उस टाइप से रिलेटेड। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।